तो आज 27 नवंबर 3.5 अपडेट का पहला अल्टीमेट स्पिन आ चुका है एंड लीक्स वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। एंड जो लोग भाई प्राइम प्लस का ट्रिक यूज करने वाले हो एंड अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो चेक किया है तो मैंने आपको वहां पर बताया था किस तरीके से प्राइम प्लस को सही तरीके से यूज करना है ताकि आप गिल्ड स्पिन के अंदर दो बार प्राइम प्लस को परचेज कर पाओ। एंड इसका फायदा क्या रहेगा, एक प्राइम प्लस के अंदर मिलता है टोटल 1850 यूसी ऑफ का वाउचर एंड अगर आप दो प्राइम प्लस को परचेज कर ले तो एक स्पिन के अंदर तो टोटल 3650 यूसी ऑफ का वाउचर मिलेगा एंड 10 यूसी करके लगभग 360 यूसी में आप 36 टाइम्स स्पिन कर सकते हो। पर मैं फिलहाल मेरा खुद का ही ट्रिक का फायदा नहीं उठाया हुआ अभी क्योंकि मैंने देख सकते हो ना अभी प्राइम प्लस परचेज किया ना कुछ किया है, तो अभी इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। एंड अगर आप भी मेरे इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आप कैसे इस स्पिन के अंदर स्पिन कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो मोस्ट अवेटेड चीज आया है न्यू AKM का स्किन रिटर्निंग के अंदर देख सकते हो, ये वाला AKM का स्किन मुझे काफी बढ़िया लगता है। एंड ऑलरेडी मेरे पास ग्लेशियर का पूरा सारे के सारे आइटम है जैसे ग्लेशियर M4 हो गया, ग्लेशियर UMP हो गया। एंड ये वाला AKM का स्किन अगर मेरे इन्वेंटरी के अंदर आ जाता है तो पूरा ग्लेशियर कलेक्शन हो जाएगा। AKM भी मैं चलाता हूँ काफी टाइम एंड मेरे पास AKM का कोई भी स्किन नहीं है तो मैं इसके तरफ जाने वाला हूँ। तो अभी जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी बता दूं ये जो स्पिन है 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाला है। 27 दिसंबर को ही और एक स्पिन आने वाला है UMP का, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा UMP होने वाला है। वो ग्लेशियर UMP ऑलरेडी मैंने इसको ले लिया है देख सकते हो। एंड ये UMP का स्किन अगर आपको निकालना है तो 20 दिसंबर के आसपास आपको प्राइम प्लस परचेस कर लेना है क्योंकि ये स्पिन भी एक महीने का रहेगा ताकि आप दो बार प्राइम प्लस परचेस कर पाओ। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखना क्योंकि प्राइम प्लस अगर आप परचेस करते हो 32 दिन का प्राइम प्लस रहता है पर जो वाउचर यहां से मिलता है वो सिर्फ 30 दिन के लिए वैलिड रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया मुझे यहां पर स्पिन करना है एंड AKM निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 यूसी का स्पिन डेली करते जाना है। तो चलो आज का पहला स्पिन मैं 10 यूसी का कर लेता हूं, देखते हैं क्या मिलता है 10 यूसी में। तो देख सकते हो ये जो जेम मिला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हो एपिक जेम है एंड हमें मिथिक जेम चाहिए। एंड मिथिक जेम रिडीम करने के लिए देख सकते हो 50 ये एपिक जेम का जरूरत पड़ेगा। एंड मैक्सिमम पकड़ के चलो ये ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो लगभग 1500-2000 के अंदर आपका AKM का स्किन या फिर अगर आपको उजी चाहिए तो आप इजिली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आइटम देखते हैं, सबसे पहले जो ये आउटफिट है मुझे काफी बढ़िया लगा देख सकते हो ओवरऑल आउटफिट एंड दोनों ही सेट काफी बढ़िया लग रहा है देख सकते हो। मेल कैरेक्टर का सेट तो बढ़िया है, साथ ही साथ फीमेल कैरेक्टर का जो सेट है आउटफिट है ये भी काफी बढ़िया लग रहा है। पर इसके लिए आपको देना पड़ेगा 6 जेम एंड 6 जेम काफी ज्यादा होता है तो काफी यूसी फूकना पड़ेगा इसके लिए। बाकी उजी का स्किन अगर आप निकालना चाहते हो उजी काफी बढ़िया सस्ते में निकल जा रहा है 2 जेम में और 2 जेम इजीली आप 10 यूसी स्पिन करके निकाल सकते हो। पर उजी का जो डैमेज है काफी कम हो चुका है गेम के अंदर, काफी कम लोग ही उजी यूज करते हैं अभी। तो यहाँ पर रिटर्निंग में चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो जो AKM का स्किन है ये आ चुका है एंड हमें चाहिए AKM का स्किन। आप से मैक्सिमम लोगों को AKM ही चाहिए होगा, बाकी ग्लाइडर व्लाइडर इमोट तो ये सारे कुछ तो है ही। तो इस स्पिन से कहां कहां से आपको जेम मिलने वाला है, सबसे पहले तो लक अगर आपका 100% हो जाता है तो आपको 1 जेम मिलेगा एंड मान लो आपका 35-40 होता है तब जाके आपको 1 जेम स्पिन के अंदर मिल जाता है तो वापस से 0 से काउंट होगा तो 1 जेम तो तुरंत आपको मिल गया। बाकी आप जेम रिडीम कर सकते हो, जो एपिक क्रिस्टल मैंने आपको दिखाया उससे आप जेम यहाँ पर रिडीम कर पाओगे 50 एपिक क्रिस्टल देके। तो सबसे पहला काम 10 यूसी का रेगुलर आपको स्पिन करना है, एक महीने का अगर आप देखते हो लगभग 300 यूसी आपको यहाँ पर फूकना पड़ेगा 10 यूसी स्पिन के अंदर। सेकंड जो काम करना है भाई साइबर वीक इवेंट जो अभी चल रहा है इसका आपको फायदा उठाना है, इसके भरोसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे क्योंकि यहाँ पर जो मिस्ट्री शॉप है यहाँ पर रेगुलर बेसिस में आपको रिफ्रेश करते जाना है। एंड और एक चीज बता दूं यहाँ पर जो वाउचर आपको मिलते हैं इसको आपको कलेक्ट करते रहना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 वाउचर ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ ताकि आप एक टाइम में काफी अच्छा खासा प्राइस रिड्यूस कर पाओ। और प्राइम प्लस के अंदर ये प्राइस रिड्यूस नहीं होता है, पर आज जो स्कैम हुआ है मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो रॉयल पास आया था मेरा 1 से लेकर 50 रैंक तक रॉयल पास था, मैंने इसका प्राइस रिड्यूस किया, मेरे साथ अच्छा खासा वाउचर था तो 4 वाउचर यूज होने के बाद और वाउचर ही नहीं यूज हो रहा है एंड लास्ट में जो प्राइस आकर रुका है 360 यूसी रुका है। तो बड़ा स्कैम इवेंट है कह सकते हो रॉयल पास के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 100 RP का जो रॉयल पास है 1000 UC का वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा, आ रहा है तो सिर्फ 1 से लेकर 50 रैंक का रॉयल पास। तो अभी मेन टॉपिक के अंदर आता है, अगर आप डेली आके यहाँ पर ओपन करके रिफ्रेश करते हो तो आपको यहाँ पर प्राइम ग्रुप मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो भाई आपका लक चमक गया, क्योंकि 420 में आप प्राइम प्लस ले सकते हो जिसका एक्चुअल प्राइस अगर आप देखते हो प्राइम प्लस का 450 के आसपास है, बाकी 30 रुपए यहाँ पर आपको कम मिलेगा। साथ ही साथ आप एक टाइम में एक से ज्यादा प्राइम प्लस परचेस कर सकते हो जो कि नॉर्मली में आप नहीं कर पाओगे। मान लो एक दिन के अंदर आप 4 प्राइम प्लस परचेस कर ले तो 4 मंथ का आपका बुक हो गया। पर हाँ इस चीज को भी आपको एकदम ध्यान से यूज करना है, क्योंकि अगर मैक्स 4 बार आप प्राइम प्लस परचेस कर पाओगे एक दिन के अंदर, मान लो आपने 4 बार परचेस कर लिया तो मेन यहाँ पर जो 50 UC ऑफ का वाउचर है जिसके लिए हम लोग प्राइम प्लस परचेस करते हैं वो तो टोटल आपको 72 मिल जाएगा, पर आपका जो प्राइम प्लस है वो 4 मंथ के लिए लॉक
हो जाएगा, 4 मंथ के लिए आप और प्राइम प्लस परचेस नहीं कर पाओगे। तो इन फ्यूचर कोई अगर दूसरा स्पिन आता है तो उसके अंदर आप फायदा नहीं उठा पाओगे प्राइम प्लस ट्रिक का। तो इसलिए मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हो आप 2 प्राइम प्लस परचेस कर सकते हो अगर आपको एक एम का स्किन चाहिए। अगर आप 2 प्राइम प्लस परचेस करते हो लगभग 840 रुपए देना पड़ेगा एंड आपको तुरंत 36 वाउचर मिल जाएगा जिसको आप स्पिन के अंदर यूज कर पाओगे। एंड अगर प्रोग्रेस की बात करें, जैसे कि मैंने पहला स्पिन किया तो मेरा 1 प्रोग्रेस हुआ, काफी बार 3 भी होता है, काफी बार 2 भी होता है। तो बीचों बीच पकड़ते 36 × 2 कर देते हैं 2 प्रोग्रेस करके, तो लगभग 72 आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। तो एक ना एक क्रिस्टल तो आपको मिल ही जाएगा 360 UC के करीब। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, 6 दिसंबर तक ये इवेंट है, 6 तारीख तक मैं यहाँ पर रेगुलर ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अगर प्राइम प्लस आ जाता है तो बढ़िया है। और हाँ, अभी एडिटिंग के टाइम आपके कमेंट्स पर मुझे पता चला कि अगर आप प्राइम प्लस एक परचेस कर लेते हो उसके बाद जो ऑफर है 420 वाला प्राइम प्लस का, वो बार बार रिफ्रेश के टाइम देखने को मिलता है। तो नॉर्मली आप करके देखो, अगर आपका ऑफर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल आप जो प्राइम है उसको आप परचेस करके रख सकते हो, तब अगर प्राइम प्लस का ऑफर है वो आ जाता है तो बढ़िया है। नहीं तो नॉर्मली एक प्राइम प्लस आप परचेस कर लो, क्योंकि जब आपका प्राइम प्लस का ऑफर आएगा तो आप एट ए टाइम एक से ज्यादा भी परचेस कर पाओगे। तो मैं भी फिलहाल यही करने वाला हूँ, पहले एक प्राइम प्लस परचेस कर लूंगा, फिर ऑफर का इंतजार करूंगा, अगर ऑफर आ जाता है तब मैं एक से ज्यादा बार परचेस कर लूंगा, तो जितने भी सारे वाउचर्स है वो मेरे इन्वेंटरी के अंदर आ जाएंगे एंड उसको मैं एक ही मंथ के अंदर यूज कर लूंगा इसी स्पिन के अंदर। बाकी जो नॉर्मल प्राइम है वो तो इजीली आ जाता है, जो 75 रुपीज का प्राइम है उसको परचेस कर सकते हो, पर उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मल प्राइम के अंदर जो वाउचर हमें मिलता है सिर्फ 30 UC 20 UC या 10 UC ऑफ का ही वाउचर मिलता है। मेन जो इंपॉर्टेंट है प्राइम प्लस है, क्योंकि अगर हमें 50 UC ऑफ का वाउचर मिलता है। बाकी अगर आप रॉयल पास परचेस किए हो, रॉयल पास के अंदर भी आपको 50 UC ऑफ का वाउचर मिलेगा, तो उसको भी आपको यूज कर लेना स्पिन के अंदर। साथ ही साथ प्राइम प्लस परचेस करने के बाद अगर आप बीपी शॉप देखते हो, बीपी शॉप के अंदर भी आपको यहाँ पर 50 UC ऑफ का वाउचर मिलेगा जिसको आप वीकली बेसिस में परचेस कर सकते हो 2-2 करके। तो इस ट्रिक को मैं अभी कंटिन्यू रखूंगा, इस वीडियो को कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। आज मैंने पहला स्पिन किया, जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या 30 दिन बाद मैं AKM का स्किन निकाल पाऊंगा कम से कम यूसी में, ये आपको पता चलेगा। लास्ट डे जाके जो भी XYZ अमाउंट का यूसी लगेगा उसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ AKM स्किन निकालने के लिए। एंड सारे चीजें अगर एक लाइन में वर्क करता है तो इजिली आप 1500 से 2000 रुपीज में ले सकते हो। बस फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मिस्ट्री शॉप के अंदर किसी भी तरीके से प्राइम प्लस वाला आ जाए। एंड मैं अगर 4 मंथ का भी परचेस कर लूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा यूसी इन्वेस्ट नहीं करता गेम के अंदर, फालतू की चीजें में नहीं जाता। पर हाँ, AKM का स्किन मुझे चाहिए था। पर हाँ, जो लोग रेगुलर बेसिस में स्पिन करते हैं प्राइम प्लस ट्रिक का फायदा उठाते हैं, उनके लिए नहीं है कि आप 4 मंथ का एट ए टाइम लॉक कर लो। नॉर्मल प्राइम अगर आप करते हो 4 बार परचेस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। पर हाँ, प्राइम प्लस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर कोई बढ़िया स्पिन आ गया तो आप वापस से ट्रिक का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। बाकी पूरा कैलकुलेशन वीडियो देखना है अगर आपको, कि कैसे आप कम से कम यूसी में गिल्ड स्पिन के अंदर चीजें निकाल सकते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया था काफी पहले, लेफ्ट साइड के अंदर वीडियो आ रहा है, चेक कर लेना।